नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग अगेन। वी आर बैक विद इलेक्शन कार्निवल ऑफ एनडीटीवी। एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए। आजमगढ़ में मौजूद हैं मैं। आजमगढ़ मशहूर है तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए। कैफी आजमी साहब का ये शहर है। शबाना आजमी के पिता शिवली कॉलेज यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो आज की तारीख में सांसद हैं वो भी एक जाने माने कलाकार हैं, दिनेश चंद्र यादव। ऐसे आप नहीं समझेंगे, जब मैं निरहुआ बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम मौजूद हैं जहां पर शानदार जानदार एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। सियासी बहस तो चलेगी, सियासी बातचीत भी करेंगे, लेकिन आजमगढ़ की आवाम के बीच में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आजमगढ़ को आजमगढ़ क्यों कहा जाता है, आजमगढ़ का एक अपना एक बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है, उस कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ वक्फे मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस कार्यक्रम के दौरान। यहाँ खास मेहमान मौजूद हैं और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सियासी चर्चा भी आगे जाके हमको करनी है। कुछ यूथ मंच पे मौजूद हैं, तो लेट्स स्टार्ट दिस शो दिस इवनिंग ऑफ एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल विद तुषार सिंह। वेलकम टू एनडीटीवी तुषार। तुषार एक यंग होनहार म्यूज़िक के टीचर हैं, म्यूजिक सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और यंग जनरेशन को आजमगढ़ की तैयार भी कर रहे हैं। तो तुषार, आप एनडीटीवी के मंच पे हैं, क्या लिख के लाए हैं, क्या सुनाने वाले हैं, अपने आवाम को, अपने वोटर्स को क्या कहने वाले हैं? सभी के लिए यही है कि जागरूक होइए और पिछली बार की अपेक्षा इस बार वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी के हम लोगों ने उसी पर एक गाना लिखा हुआ है और आप सभी के बीच में मैं ये प्रस्तुत भी करना चाहूँगा। उठो जवानों, उठो किसानों, श्रमिक छात्र यह काम करो। उठो जवानों, उठो किसानों, श्रमिक छात्र यह काम करो। छोड़ छाड़ सब काम से पहले तुम पहले मतदान करो। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो किसानों, उठो जवानों, उठो किसानों, श्रमिक छात्र यह काम करो। उठो जवानों, उठो किसानों, श्रमिक छात्र यह काम करो। कहे विजेंदर संसद में अपना प्रतिनिधि पहुंचा देंगे, मतदान यज्ञ में मत देकर मतदान में। आप सभी, ये लाइन आप सभी के लिए है। मतदान यज्ञ में मत देकर अपना अधिकार जताएंगे। और जिसको लगता है कि हम अपना अधिकार जता रहे हैं और आपको करना चाहिए वोटिंग, तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाइए। एनडीटीवी का हम धन्यवाद करते हैं, एनडीटीवी का हम धन्यवाद करते हैं, एनडीटीवी का हम धन्यवाद करते हैं। आप आए आजमगढ़ में, आप आए। एनडीटीवी को हम धन्यवाद करते हैं, एनडीटीवी को हम धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां तुषार के लिए। वाकई में इसलिए नहीं कि आपने एनडीटीवी को धन्यवाद दिया, बल्कि इसलिए कि आपने लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, हर वर्ग को मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच इस बहुत ही मधुर अपील के लिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आजमगढ़ में 25 तारीख को वोट पड़ेगा तो जितने रिकॉर्ड आजमगढ़ में बने हैं आज तक, वो तमाम रिकॉर्ड्स इस गाने की वजह से प्रेरणा पाकर इस बार टूटेंगे। वोटिंग का नया इतिहास आपका ये गीत लिख पाएगा। थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच। तो आइए आजमगढ़ में अब बात करते हैं आजमगढ़ के उन नुमाइंदों से जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सिटिंग एमपी दिनेश चंद यादव साहब, निरहुआ जी, जो जाने माने भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे, पर ये सब चीज़ें वो पीछे छोड़ आए हैं। अब वो सामाजिक जीवन में आ गए हैं और वो सांसद बनने के बाद अब संसद में दिखाई देते हैं। लोकसभा में अक्सर हमारी इनसे मुलाकात हुई है। आपके शहर में आके अच्छा लग रहा है, मौसम भी बड़ा खुशगवार है, आपका मिजाज कैसा है? बहुत अच्छा है और मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आजमगढ़ की इस ऋषियों की तपस्याओं की धरती पर। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इस बार का चुनाव
22 वाले जो उपचुनाव हुआ था जिसके जरिए आप संसद तक पहुंचे, उससे कितना कठिन है या आसान है? कठिन नहीं, बहुत आसान हो गया। और आसान होने का एक ही कारण है कि हम लोग चाहे 19 में चुनाव हारे या 22 में जीते, हम आजमगढ़ में ही रहे और आजमगढ़ के जो देव तुल्य हमारी जनता है उनके बीच रह के उनके सुख दुख में शामिल हुए। और जो लोग हमसे लड़ने अभी आए हैं वो पहले भी आए थे, तो एक भाई जीत के भाग गया था, एक भाई हार के भाग गया। आजमगढ़ में 2019 में हम लोग आए, उसके बाद हमने किसी से नहीं पूछा कि भैया आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस बिरादरी को हो, कौन सी पार्टी के हो। कोई भी व्यक्ति आ गया, और मुझे पता भी है कि ये विपक्ष में रहा, मेरे खिलाफ रहा, फिर भी अगर वो अपना काम लेके आया तो हमने काम किया क्योंकि हम यहाँ रहे। पर वो जिसके लिए लड़ता है वो यहाँ रहता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया, पर एक ऐसी कहानी है, ऐसी रियल इंसिडेंट है, अधिकारों के लिए लड़ने वाला, और आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का जम के बचाव किया। मैं कह रहा हूँ कि आज उन पर चार्जशीट भी दाखिल हो गई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो वही संगीन धाराएं जिसको लेकर पार्टी की बदनामी हुई। आपने उनकी पार्टी के उनके बेटे को टिकट दे दिया, तो अब मैं ऐसे में जनता कंफ्यूज नहीं होगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी तो ऐसे लोगों को बचाव कर रही है जिन पर इस तरह के लांछन लगे हैं, उनके उनका टिकट काट सकती थी, किसी और को टिकट दे सकती थी उस सीट पर। अगर धर्मेंद्र यादव यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, अखिलेश यादव काम नहीं कर रहे थे, उनको जनता ने सबक सिखा दिया, तो क्या बीजेपी ये रिस्क क्यों ले रही है कि ऐसे व्यक्ति को साथ रखे जिसके ऊपर इतने बड़े दाग रहे? मुझे लगता है वो कोर्ट से फैसला आएगा तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी तो हम लोगों को यहाँ चर्चा करना चाहिए। अभी मेन मुद्दा ये है कि आजमगढ़ में चुनाव है और आजमगढ़ की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना है। अब वो किसको चुने इस पे हम लोगों को बात करना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या आजमगढ़ की जनता ये नहीं देखेगी कि किस पार्टी के नुमाइंदे को चुन रही है, उस पार्टी का क्या सोच है? तो उस पार्टी को चुन के देखा है ना, वो बाकी जो जो लड़ने आए हैं उनको चुन के देखा है। महिला सुरक्षा के मामले पे लगातार घेर रहा है बीजेपी को, बार बार मणिपुर की घटनाओं की याद दिलाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह की बातों को याद दिलाता है। आपको लगता नहीं है कि बीजेपी की इमेज को डैमेज कर रही है सब चीजें? बिल्कुल नहीं, ये विपक्ष वाले जो हैं वो बिल्कुल दिशाहीन है। मैं सदन में भी बैठ के देखता हूँ, ये देश का समय भी बर्बाद करते हैं और देश का पैसा भी बर्बाद करते हैं। आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको सवर्णों की पार्टी कहा गया एक जमाने में, और सपा की पहचान रही कि यादवों की और मुसलमानों की पार्टी है, आप यादव होके बीजेपी में हैं, आप अपने आप को मिसफिट पाते हैं या ज्यादा फिट पाते हैं? मुझे लगता है ये पार्टी ही यादवों से शुरू हुई है। ये जनसंघ जब शुरू हुआ था, मैं आपको इसी आजमगढ़ में लोग दिखा दूंगा, दुर्गविजय यादव जो जनसंघ के जमाने से हैं पार्टी में और आज भी हैं, तो ये ऐसा नहीं है। ये पार्टी जो है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने करके दिखाया। जाति के चक्कर में हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि अगर जाति है तो चार ही जाति है, युवा जाति है, महिला जाति है, किसान जाति है, गरीब जाति है, इन चारों के लिए काम करिए, पूरे देश के लिए काम हो जाएगा, फिर इसमें अलग से जाति ढूंढने क्या जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री के बयान तो मुसलमान पर भी आए, प्रधानमंत्री के बयान तो मंगलसूत्र पर भी आए, प्रधानमंत्री के बयान तो ऐसे भी आए जो डिवाइड पैदा कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि देश को बांटना चाहते हैं। देश को बांटना, किसने बांटा वो पूरा देश जानता है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, आज ही मैं अपने आजमगढ़ के मुबारकपुर में ही था जी, वहाँ एक बड़े प्रतिष्ठित मुस्लिम नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन किए, और उन्होंने मंच से कहा कि अगर सबसे ज़्यादा लाभ मोदी सरकार का किसी को मिला है तो मुसलमानों को मिला है। एक चीज़ बताइए, अब आप फिल्मों में, गानों में, सीरियल्स में कितने इंटरेस्टेड है, कितना टाइम रहता है? पूरा टाइम रहता है, और मैं यहाँ आजमगढ़ में रह के करता हूँ क्योंकि मैं अपना काम छोड़ नहीं सकता। मैं अपना काम करता हूँ यहाँ आजमगढ़ में। तो कैसे कर पाते हैं ऐसे ही लगातार? ऐसे ही मैं डबल इनिंग खेल रहे हैं। हाँ, मैं फिल्म अपनी यहाँ बनाते रहता हूँ और वहीं अपनी ऑफिस लगा देता हूँ, कंप्यूटर वहीं लग जाता है खेत में,
जनता जो शूटिंग देखने आती है वो सेल्फी भी ले लेती है और अपना काम जो होता है वो बता के टाइप करा के पेपर भी ले जाती है। और एक चीज और खासियत है निरुवा साहब की, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं करते हैं, ये गाते भी हैं, ये लिखते भी हैं, ये बनाते भी हैं, ये एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो ये इतने सारे रोल कैसे निभाते हैं आप? देखिए, इसलिए निभा पाते हैं कि हमको गायक भी देवतुल्य जनता ने बनाया, हमको एक्टर भी उन्होंने ही बनाया, फिर बाद में उन्होंने नेता भी बना दिया। ये सारा कुछ देवतुल्य जनता ने ही बनाया। मैं कहीं कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री घर में पैदा हो कि तो बना नहीं, मैं जनता ने बनाया। तो अब मुझे जब जनता के बीच जाता हूं तो मुझे लगता है कि जिसने मुझे बनाया है उसी के लिए करना है। तो चाहे गाना बनाना है, चाहे फिल्म बनाना है, चाहे सड़क बनाना है, वो बड़ा आराम से बना पाता हूं मैं। बातें बनाना भी है क्या? एक मुद्दा और है। पिछली बार बीएसपी का उम्मीदवार था और मजबूत उम्मीदवार था, जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे आपसे। इस बार वो सपा में है और सपा ने उनको ऑलरेडी एमएलसी बना दिया है। आपको लगता नहीं है कि चुनाव बहुत मुश्किल हो गया गुड्डू जमाली के सपा में चले जाने से? बिल्कुल नहीं। और देखिए, गुड्डू जमाली जी गए हैं सपा में, पर बसपा उनके साथ थोड़े गई है, वो इंडिविजुअल गए हैं। बसपा आपके साथ है? बसपा मेरे साथ है, आप ठीक कहे आपने, आप साथ में है। बीजेपी और बहन जी का अलायंस है पर्दे के पीछे। अब आप देखिए, पर्दे के पीछे गठबंधन चल रहा है। मुझे लगता है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गांव में घूम रहा हूं तो वहां का बता सकता हूं जी, कि जो बीएसपी के वोटर्स थे वो भी हमारे साथ आ गए हैं, और जो सपा के लोग थे जो पहले हम आए थे तो बड़ा हमारा विरोध कर रहे थे, पर जब हम आजमगढ़ रह के 5-15 महीने तक यहाँ काम किए तो फिर जनता ने देखा कि भाई हमारे बीच मिलने वाला यही है, हमको कोई काम पड़ेगा तो करेगा यही, और सरकार भी इनकी है तो वो भी हमारे साथ है। तो धर्मेंद्र यादव जी तो लड़ाई के बाहर हैं, वो तो लड़ाई में है ही नहीं। आखिरी, क्योंकि आप मंच पे हैं, वक्त की कमी है, मैं जानता हूं आपको कैंपेन में लगे हुए हैं, वही रिक्वेस्ट आखिर में जाते जाते जनता के लिए कुछ गा दीजिए। जनता के लिए आजकल हम लोग यही कह रहे हैं कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस कई के निरहुआ देखवले बा, पूरा आजमगढ़ चमके लागल और सबके साफ देखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथे बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ है बा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे करके, थैंक यू सो मच। क्या है आजमगढ़ के मुद्दे, क्यों आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक हॉट सीट माना जा रहा है, कुछ वजह है आजमगढ़ के साथ। आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव यहाँ पर सांसद रहे, अखिलेश यादव सांसद रहे, लेकिन बीती बार में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई और सपा से ये सीट छीन ली गई। इसीलिए इस सीट पे जो कि माना जाता था कि यादवों का एक गढ़ है, मुसलमानों का इलाका है, बड़ी संख्या में उनको वोट करते हैं, पर अब भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि भाजपा को यहाँ के वोट मिलने लगे। दिनेश चंद्र यादव निरहुआ स्थानीय सांसद हैं, इस वक्त लोकसभा के सांसद हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और उनका सामने उन्हीं धर्मेंद्र यादव से हो रहा है, समाजवादी पार्टी के, जिन धर्मेंद्र यादव ने ये चुनाव उनसे हारा था उपचुनाव। तो ये क्यों हुआ और इस बार नया कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? तो ये बात तो बीजेपी की हो गई, ये बात समाजवादी पार्टी की हो गई या इंडिया अलायंस की हो गई। एक तीसरा एंगल भी है कहानी में, वो है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी 2019 में सपा के साथ थी, सपा बसपा का अलायंस था, इसीलिए 19 में अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव जीते थे, जो बाद में उन्होंने खाली कर दी विधानसभा में चुने जाने के बाद। लेकिन उपचुनाव में, जब उपचुनाव हुए अखिलेश यादव की कुर्सी खाली करने के बाद, तब सपा बसपा का अलायंस नहीं था, तब बसपा अलग हो गई और बसपा ने अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा कर दिया। बड़ा बड़ा नाम है यहाँ के, शाह आलम साहब, गुड्डू जमाली जिनको बोलते हैं, और उन्होंने उस चुनाव में इतने वोट पा लिए कि समाजवादी पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई,
ये चुनाव ये पार्टी यहाँ पर हार गई, अपने गढ़ में हार गई, निरहुआ यहाँ से सांसद बन गए, लेकिन अब 22 नहीं है, ये 2024 है। तो क्या निरहुआ के लिए, बीजेपी के लिए ये सीट डिफिकल्ट हो गई है, इसको बचा पाना? इसी मुद्दे के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियां मेहमानों के लिए, तमाम आप मूर्धन्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर शख्स के, हर जगह के लोग हैं, आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूँगा इस चर्चा की, सबसे पहले जनता के पास आऊँगा और फिर ऊपर मंच पर जाऊँगा ताकि सवाल जवाब कर सकें। जनता मतलब जनता, कार्यकर्ता नहीं, जनता मतलब जनता, कार्यकर्ता नहीं। उठो बेटा, क्या सबसे बड़ा मुद्दा? आजमगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है एक जो महापुरुष की प्रतिमा, महाराजा निषाद राज गोहा जी की, वो उस समय 2002 में आए थे जिसमें पंडित राहुल संत कित्यान जी की प्रतिमा आई थी और महाराजा निषाद राज जुगो जी का प्रतिमा आया था, लेकिन पंडित राहुल संत कित्यान जी की प्रतिमा लग गई और महाराजा निषाद राज जी के गोजी की प्रतिमा नहीं लगी। मैं तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि सरकार दोनों की रही है, मैं समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, आखिर क्या रीजन हुआ कि वो महाराजा निषाद राज जी की प्रतिमा नहीं लग पाई? क्या निषाद समाज नाराज है तीनों पार्टियों से? मैं तीनों पार्टियों से यही पूछना चाहता हूं कि निषाद समाज आपको क्यों वोट दे? और कुछ खास मेहमान है, मैं महिलाओं के पास आना चाहता हूँ। महंगाई इतनी चरम पे है, मेरा सवाल गुड्डू मिश्रा जी से है कि ये बीजेपी की सरकार मेरे गैस के चूल्हे का दाम क्यों 1000 पार कर दी? जब 400 था तो इनकी जो स्मृति ईरानी जी थी वो बैठ के सिलेंडर लेके बैठ जाती थी चौराहे पे, अब ये जब 1000 पार हुआ है तो क्यों नहीं बैठती है? मेरा सवाल इनसे है। महंगाई, महंगाई का मामला है, कर्मचारी है, कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री एक दिन के लिए भी बनता है तो आजीवन उनको पेंशन मिलती है, जय बार बनता है तय बार की पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी 60 साल ड्यूटी करते करते रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसको खाली हाथ जाना पड़ रहा है, पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे पा रही सरकार? आइए मेहमानों के पास चलते हैं, आप लोगों के पास सवाल पूछने के लिए मेरे पास काफ़ी मसला आ गया है, असला भी आ गया और मसला भी आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके पेशेंस के लिए। कुछ बहुत ही बेसिक नीड्स की चीज़ें उठाई, मैं बारी बारी से आप तीनों को एक एक मिनट का मौका दूंगा, 60-60 सेकंड का। शुरू करूंगा आपसे गौतम साहब, क्यों इन, अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं उन 60 सेकंड में, क्यों बीएसपी के उम्मीदवार को आजमगढ़ से इस बार चुनाव जिताना चाहिए? आपको सपा का बताना है, आपको अपनी पार्टी का बताना है, पेपर मैंने लीक कर दिया है, 60 सेकंड में समझाइए इस आवाम को जो आपको लाइव भी देख रही है, जो आपके सामने बैठी भी हुई है, कि बीएसपी को वोट करना चाहिए। 60 सेकंड। बीएसपी को इसलिए वोट करना चाहिए, आज जो भी कैंडिडेट यहाँ लोकसभा आजमगढ़ के अंदर है, जो चुनाव जीतता है यहाँ से चला जाता है। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा प्रत्याशी है जो आजमगढ़ का रहने वाला है और लोगों के बीच के रहने वाला है, इसलिए उसको और माननीय बहन जी के कार्यकालों के, आजमगढ़ की जनता हो, पूरे प्रदेश की जनता हो, शासन काल को सारे लोगों ने देखा है, माननीय बहन जी कार्यकाल को, इसलिए हम मेरा ये अपील है और प्रत्याशी को जिताने के लिए मैं चाहता हूँ आजमगढ़ की जनता मसूद अहमद को जितावे। अभी लोगों ने कहा संविधान बचाने की बात, संविधान कैसे खतरे में, जो बचाने वाले लोग हैं वो बतावे। कांग्रेस ने संशोधन किया, संविधान कभी खत्म नहीं होगा, संविधान कभी खत्म होने वाला नहीं है, संशोधन हो सकता है, ठीक, ये चीज हो सकता है। और गठबंधन में आपके 60 सेकंड हो गए, जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, 60 सेकंड हो गए, अब चल नहीं रहा है। अब अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं, क्यों यहाँ पे धर्मेंद्र यादव को या समाजवादी पार्टी को या इंडिया अलायंस को चुनाव आजमगढ़ में जीतना चाहिए? 60 सेकंड में आवाम को समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिया एनडीटीवी टीम को यहाँ पे वेलकम करता हूँ और सामने उपस्थित समस्त जनता का मैं प्रणाम करता हूँ, समस्त जनता को। देखिए साथियों, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं उनके बारे में तमाम बातें लोग कहते हैं। मैं आपको बता दूँ, बदायूं में जहाँ से वो 2 बार सांसद थे वहाँ पर उन्होंने अपना स्थायी निवास बनवाया, आज आजमगढ़ में वो यहाँ प्रत्याशी हैं, उनका आवास 80% बन के तैयार है, वो आप ही के बीच रहेंगे चाहे हारें या जीतें। दूसरा सवाल उठता है, यह आजमगढ़ की धरती है, यह आजमगढ़ की धरती है, यहाँ पे रामबचन यादव जी की धरती है, चंद्रजीत यादव जी की धरती है, रामनरेश यादव जी की धरती है और श्रद्धेय नेताजी की धरती है, और इस धरती में माननीय धर्मेंद्र यादव जी नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आजमगढ़ में आए हैं। धर्मेंद्र यादव जी एक पार्लियामेंटेरियन हैं, एक प्रखर वक्ता हैं और शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों की आवाज को मुखरता से पार्लियामेंट में बुलंद करने का काम। शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया। 60 सेकंड हो गए,
अब बारी अखिलेश मिश्रा जी की है जो सिटिंग एमपी निरहुआ साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 60 सेकंड में समझाइए। देखिए मैं पहले तो आप की पूरी टीम का और यहाँ पूरी जनता का स्वागत करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आजमगढ़ के बारे में इन्होंने जो बताया है कि ये धरती चंद्रजीत यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और फला फला की रही, इनसे इनकी मानसिकता का पता चलता है। आजमगढ़ की धरती सिबली नोमानी से लेके और राहुल सांस्कृत्यायन पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय चंद्रजीत यादव की रही है, इनकी मानसिकता दूषित है। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाऊंगा। मैंने हमारी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, नौजवानों को छलने का काम किया। जब इनकी सरकार रही तो आजमगढ़ को विश्वविद्यालय नहीं दिया, आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आजमगढ़ की सड़कों को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 45 साल का विधायक, उसके गांव की सड़क भाजपा सरकार में बनी है। धन्यवाद, क्या बात करेंगे विकास। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आप है, यूपी में भी आप है, सांसद भी आपका है, ट्रिपल इंजन हो गया, ये जो मुद्दा है महंगाई का, इसको कितना खतरनाक मानते हैं चुनावों में? देखिए विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, सिलेंडर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। मैं आपसे सिलेंडर की बात बता रहा हूँ जी। 2014 में गूगल खोलिए, 901 रुपए का सिलेंडर था, आज सिलेंडर 924 रुपए का है। तब सिलेंडर सर पे लाद के जाते थे, 3 दिन सिलेंडर नहीं मिलता था, आज घर घर तक सिलेंडर की डिलीवरी दे रहे हैं। केवल 20-21 रुपए महंगा हुआ, समय बीता है 10 साल का, कहां सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। पेट्रोल डीजल की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? पेट्रोल डीजल जो कितने का था, 2014 में पेट्रोल कितने का था, पेट्रोल डीजल कितने का था, पेट्रोल डीजल का जो भी दाम रहा 10 साल का समय बीत गया है, अब कितने का है? अभी कई जगहों पर 100 रुपए, कई जगहों पर 105, 107, 110 रुपए बिक रहा है। इनकी जब सरकार थी तो क्या इन्होंने फ्री में दे दिया था क्या? इनकी सरकार थी तो फ्री में दे दिया क्या? महंगा नहीं हुआ है? नहीं, कोई महंगाई नहीं, महंगाई नहीं है, सुविधाएं भी बढ़ी है। अखिलेश जी कह रहे हैं देश में महंगाई बढ़ी है। मैं बता दिया सिलेंडर का 924 और 901 जोड़ लीजिए कितना महंगा है, बहन जी वही बता रही थी। अखिलेश जी कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, गूगल खोलिए, गूगल खोलिए। अशोक जी, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? देखिए अभी CSDS का सर्वे आया था और उस सर्वे में 23% जनता महंगाई को मुद्दा मानती है, 27% जनता बेरोजगारी को मुद्दा मानती है। अगर यहाँ प्रदेश की जनता या देश की जनता महंगाई की बात करती है तो भाजपा वाले कहते हैं महंगाई की बात मत करो, तुम लोग महंगाई की बात बिल्कुल मत करना, देख नहीं रहे हो विदेश में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। महंगाई पे सरकार गिर सकती है कि नहीं? जरूर गिरेगी। आप तो मुद्दा ही नहीं बता रहे महंगाई, आप तो बोल रहे आपका प्रत्याशी लोकल इससे वोट करिए। बीजेपी सरकार 14 से बनी है या डबल इंजन की सरकार है, इस देश में महंगाई का चरम सीमा पे आ गई है और हमारे दोस्त नहीं आई है। हमारे दोस्त अभी बता रहे हैं कि महंगाई नहीं आई है। अखिलेश जी बता कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो सांसद स्मिता ईरानी इनको गलत साबित करिए ना। सम्मानित साथियों, स्मिता ईरानी जी से पूछ लें, आप अपने बीजेपी के सभी सांसद जो रोड पे गैस सिलेंडर लेके जा रहे थे उनसे पूछ लेना। अरे भाई 20 रुपए तो बढ़ा है 10 साल में, 20 रुपए 10 साल में 20 रुपए बीजेपी का। महंगाई पे सरकार फेल है, फेल है। बीजेपी के साथ बसपा कभी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी पक्का, नहीं जाने वाली, रिकॉर्ड हो रहा है, होने वाला ये दिखाएगा 24 में अद्भुत होने वाला। बहन जी क्या कर रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बहन जी जो करती है आपको पता है, इस देश में देश के प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बनेंगी। चलिए एक और मामला जो उस युवक ने उठाया था, निषाद राज की मूर्ति क्यों नहीं लगी? निषाद राज की मूर्तियां लगनी थी, आपकी भी सरकार हुए 5-7 साल हो गए, सपा की भी सरकार चली गई, अब तक वो मूर्ति क्यों नहीं लगी है? यहाँ का आजमगढ़ का लोकल मामला है। देखिए निषाद राज की जो मूर्ति का मामला है, वो समाजवादी पार्टी के सरकार में वो मूर्ति ऑलरेडी अभी भी पुलिस के कब्जे में है, कोर्ट का मामला है, तो जब भी कोर्ट जुडिशियल का मामला रहता है जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वो मूर्ति नहीं लग सकती, मूर्ति अभी भी पुलिस के कब्जे में अंडर कस्टडी रखी गई। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस समय निषाद राज की मूर्ति को किसी भी तरह से उठवा के रखवा लिया और कोर्ट का मामला हो गया, स्थान के लिए मामला है वहाँ। बताइए आप पे इल्जाम लगा रहे हैं,
निषाद राज की मूर्ति क्यों नहीं लगी? कुछ कानूनी बाध्यताएं थी उस समय। क्या क्या दिक्कत थी बताइए ना, जनता सुन रही है। कुछ कानूनी बाध्यताएं थी उस समय, अब हमारी सरकार आएगी हम यहाँ से ऐलान करते हैं कि निषाद राज की मूर्ति लग जाएगी। वो सबसे नाराज है, निषाद लोग वोट नहीं देंगे आप लोगों को। तीनों पार्टियों से नाराज है। निषाद राज की मूर्ति हमारी सरकार आएगी हम लोग लगवा देंगे, इसका मैं ऐलान कर रहा हूँ। ये मेरा सवाल आपसे इस बार अशोक जी, ओपीएस का मामला, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया, क्योंकि आप दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सहयोगी गठबंधन है। कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो से हटा दिया, ये क्या चक्कर है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि ओपीएस का झूठा वादा करके फंस गए हिमाचल में कर्नाटक में? क्यों ओपीएस पर आपकी स्टैंड क्या है, ओपीएस या एनपीएस? देखिए हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ओपीएस अभी परसिस्ट कर रहा है और हमारे पार्टी के एजेंडे में है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि सरकार बनने पर ओपीएस लागू करने की व्यवस्था हम कराएंगे। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह चुके थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ओपीएस लागू करूंगा। उनको जनता ने बता दिया कि हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आज उनका घोषणा पत्र पढ़िए, कहीं ओपीएस है? ये जो भी हमारी सरकार की मंशा होगी वो कर्मचारियों के सम्मान में जो भी निर्णय होगा उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी लेंगे। पर ये जाति नहीं है, सांसद और विधायक थोड़े महीने भी रह जाएं और पूर्व हो जाएं उनको तो पेंशन ओल्ड मिलती है, पर आम सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। उस पर हमारी सरकार विचार कर रही है, जो भी निर्णय होगा वो करेगी। ये तो ओपीएस बताए थे ना, ये प्रधानमंत्री बनने के रेस में है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? इंडिया ने अभी तय नहीं कर पाया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। और एनडीए का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014, 2019, 2024 गारंटेड। आपका प्रधानमंत्री कौन है, चेहरा कहाँ है, मोदी के सामने कौन है? अखिलेश जी ने बाउंसर मार दिया है। सुमित जी देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो विश्व स्तर का झूठ बोलने वाला नहीं होगा। कम से कम उसके डिग्री पे सवाल खड़े नहीं होंगे। कम से कम वो देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने काम नहीं करेगा। जो भी प्रधानमंत्री हमारे देश का इंडिया गठबंधन का होगा वो प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। आप मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल जी को या अखिलेश जी को बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये अंतर है आप लोगों के कैंपेन में। मैं आपको बताऊं, ये अंतर है, इसीलिए आप चेहरा नहीं दे पा रहे हैं। सुमित जी इसीलिए आप तय नहीं कर पा रहे कि ममता की राहुल की कौन है। चेहरा है ही नहीं है, सारे चेहरे धुंधले हो चुके हैं। देखिए अखिलेश यादव भी चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 यादव को चुनाव दिया टिकट, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, वहां से उनके लड़के राम गोपाल यादव जी के, इस तरह से पांचों परिवार के हैं। इनके पास कुछ है नहीं, आजमगढ़ था तो वहां भी ले आके धर्मेंद्र यादव और कोई यादव नहीं मिला आपको? मैं बता रहा हूं, अरे ये यादव तो यहां भी थे, निरहुआ। सुमित जी देखिए, हमारे यहाँ यादव अमित शाह वाले यादव को दिया। अमित शाह जी का लड़का जैसा, क्या वो किसी क्रिकेट का बल्ला बैट के बारे में जानता है? वो देखिए, हमारे यहाँ जो भी परिवार के लोग हैं बकायदे जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं, मैंडेट हासिल करके तब सांसद और विधायक बनते हैं। इनके यहाँ मनोनयन होता है। बताइए जैसा आका कैसे चुनाव हुआ था? जनता पार्टी आप अमित शाह जी के बेटे हैं, कभी क्रिकेट के एबीसीडी नहीं जानते हैं और चले गए बीसीसीआई का चेयरमैन बन गए। ये होता है परिवारवाद, परिवारवाद ये होता है के साथ मिलकर उस परिवार से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आजमगढ़ की एक और बहुत खास चीज है जो आजकल देश विदेश में खूब नाम कमा रही है, वो है यहाँ का धोबिया नृत्य, लोक नृत्य। उमेश कनौजिया जी जो कि मशहूर धोबिया नृत्य मंडली के मुखिया हैं हमारे साथ मौजूद है। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर एनडीटीवी के, जोरदार तालियां। मित्रों आप ही के साथी हैं, आप ही के शहर के हैं, आजमगढ़ की आन बान शान है। उमेश जी क्या प्रस्तुत करने वाले हैं, धोबिया के बारे में क्या दिखाएंगे हिंदुस्तान के दर्शकों को? सबसे पहले आज यहाँ पर जितने भी हमारे श्रोतागढ़ हमारे सामने हैं, हमारे सबका मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। आज जो ऐतिहासिक धरती आजमगढ़ के सरजमी पे हमारे जितने भी आए हुए यहां पर श्रोतागढ़, सबका मैं दिल से पार्टी की ग्रुप के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। एक लाइन मैं शहर के माध्यम से भी बताना चाहूँगा। दिलवा में मत सोचा कि समैया बेकार बा,
दिलवा में मत सोचा कि समैया बेकार बा, ये चाचा चाची वोट देवे जाया, हक ना यह अधिकार बा। यह अधिकार बा, अगर वो अधिकार से चूक गईला तो फिर हुक गईला। हिलाला हिलाला, ये लोकतंत्र बचावे के अधिकार बा। आओ, ये सही है लाइन। यही तरह कमर कस के 25 तारीख के वोट डाले के बाद कौनो बहाना ना चली। आवा ए हाँ ए हाँ ए, हिला ले बाबू हिला ले। अरे गुलजार भइले दूल्हा, अरे गुलजार भइले दूल्हा, आजमगढ़ के नामा गुलजार भइले दूल्हा आजम। आजमगढ़ के नामा गुलजार भइले दूल्हा, हे राजा। अरे दत्ता ते दुर्वासा जी जब ले हले जाना मावा गुलजार भइले दूल्हा, आजमगढ़ के नामा गुलजार। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई, जोरदार तालियां उमेश कनौजिया और इस पूरे धोबिया लोक नृत्य हम तक पहुंचाने के लिए। हम चाहेंगे कि आप ऐसे दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, और इस धोबिया को अभी तो आप दुनिया तक लेके गए, इसको आप चांद तक लेके जाएं, क्योंकि भारत अब चांद पर पहुंच गया है और सूरज पर पहुंचने की तैयारी चल रही है।